गेस करो मैं कहाँ हूँ? अपने घर पे? नहीं, मैं हूँ अभी इंडिया की सबसे बड़ी जिंक कंपनी के अंदर। नाम नहीं पता, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसे लोग वेदांता के नाम से भी जानते हैं। तो हाँ गाइस, मेरी इंटर्नशिप जो है फिलहाल वेदांता के अंदर कंफर्म हो चुकी है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अपना थोड़ा सा, एक पहले तो रूम टूर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, और उसके बाद आपको काइंड ऑफ व्लॉग है जिसके अंदर सब चीज़ें बताएंगे, पूरी वेदांता को एक्सप्लोर करेंगे, और अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, हमको क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें सीख रहे हैं वो भी बताएंगे। तो आई होप इस व्लॉग के अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्लस इंजॉयबल कंटेंट मिलने वाला है, तो हो सके तो एंड तक देख लीजिएगा। बाकी फिलहाल मैं आपको देता हूँ अपना एक क्विक रूम टूर, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कौन से फ्लैट पे हमको वेदांता ने अलॉट किया। पहले बता देता हूँ, फ्लैट अलॉट हुआ हमको जिसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो सबसे लेट आया हूँ। हमारी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को पहले अलॉट किया था, उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे मेरे को भी अरेंज करवाया है। तो एक क्विक रूम टूर आपको पहले देते हैं। तो इस प्रकार से एक फ्लैट पे चार घर बन रखे हैं। आप अपने बारे के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा हॉल देखने को मिलता है, जिसके अंदर सामने बालकनी है, और बालकनी से जो व्यू आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। देखो, बहुत ही शानदार, बेहतरीन इस प्रकार से व्यू आता है। एंड जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो हमको साइड में जाते हुए ही एक यहाँ पे हमारे कॉलेज के जूनियर है, इसको जानते होंगे कुछ लोग, मंजीत नाम है इसका, और यहाँ पे जो है ये किचन है जो कि खाली पड़ा है, बट यहाँ पे एक बेडरूम जिसके अंदर फिर से यहाँ पे एक व्यू आता है। देखो भाई, कपड़े वपड़े सूख रहे हैं, हम लोग भी सब काम पे जा रहे हैं, मतलब इंटर्नशिप पे। बाकी एक बेडरूम है, फिर यहाँ पे एक और बेडरूम है जिसके अंदर यहाँ पे एक लेट बाथ अटैच हो गए, और या प्रिटी गुड, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है मकान। और ऐसे ही यहाँ पे भी एक और बालकनी मिल जाती है हमको, और बेहतरीन व्यूज मिलता है यहाँ पे देखने को, सुबह शाम बैठ सकते हो, और बाहर चल के भी आपको दिखाएंगे। ये तो था एक क्विक सा रूम टूर जिसके अंदर हमने रूम को देखा। तो अभी आपने जो क्लिप देखी थी ये पहले दिन की है, जब मैं पहले दिन अपने इंटर्नशिप पे आया था, बट अभी यहाँ मेरे को आए हुए 6 से 7 दिन हो चुके हैं। इतने दिन कुछ भी शूट नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि नई जगह नए लोगों के साथ सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट नाउ आई एम सेटल फुल्ली। और अभी इस वीडियो के अंदर, इस ब्लॉग के अंदर स्पेशली मैं आपको दरीबा, मतलब हिंदुस्तान जिंक की वेदांता विहार, मतलब पूरी कॉलोनी दिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं, हो सकेगा तो कल सुबह जाके आपको, जब मेरा प्लांट विजिट होता है, जब मेरा प्रोजेक्ट जो मेरे को मिल रखा है वहाँ जाना होता है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले पीछे वाले कैमरे से हम आपको जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा रेजिडेंशियल हमको मिल रखा है वो दिखा देता हूँ, तो एक बार उसके ऊपर झलक मार लेते हैं। तो जनाब, ये है यहाँ पे वेदांता विहार, जिसे रेजिडेंशियल एरिया भी बोलते हैं। ये प्रॉपरली वेदांता के अंदर में आता है, मतलब जो वेदांता के परमानेंट वर्कर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं। एंड चारों तरफ मस्त बिल्डिंग, ऊपर जो दिख रहा है वो वाला फ्लोर वो हमारा है, कपड़े जहाँ सूख रहे हैं, और कुछ इस तरीके से गार्डन के बीच में बसा हुआ, बढ़िया, बहुत शानदार। और ऐसे रेजिडेंशियल के बीच में बच्चों के खेलने के झूले वगैरह यहाँ तो फिर भी कम है, उस बाजू वाले में बहुत ज़्यादा है, और वो जो लड़के दिख रहे हैं वो कॉलेज के ही हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। बाकी रूम टूर आपने देख ही लिया, और इसका नाम भव्य है। हाय। और बाकी जो है, आपको कल मैं सुबह प्लांट जब जाऊंगा तो आपको हिंदुस्तान जिंक अंदर से कैसे दिखती है, वेदांता कंपनी अंदर से कैसे दिखती है, वर्क कल्चर वगैरह, मशीनरी, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो कल का मेरे को इंतज़ार है, बाकी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हो, तो बाकी हम आपको कल मिलते हैं। The next day. हाँ, तो जनाब ऐसा है कि फिलहाल हो रहा है सुबह के 8, और मैं निकल चुका हूँ अपने प्लांट के लिए। पीछे देख रहे हो कुछ इस तरीके से सोसाइटी, मैंने कहा आपको रात को दिखाई थी वही है। अभी थोड़ा सा नाश्ता है फिलहाल प्लांट जाने के लिए, एक ये जैकेट, रिफ्लेक्टर बोलते हैं इसे, ये पहन रखा है, और एक हेलमेट दे रखा है मेरे को कंपनी के थ्रू, बाकी जूते जो हैं सेफ्टी शूज़ है। इस तरीके से पूरा प्लांट होता है, एंड निकलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। अब प्लांट में जाने से पहले सबसे पहले नाश्ता करना होता है, बिकॉज 5 बजे वापस आएंगे और बीच में 1 बजे लंच होगा, बड़ा शोर शराबा है यहाँ पे। तो नाश्ते में क्या मिलता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट नाश्ता खाना मिलता है मेरे को यहाँ पे, तो एक बार वो झलक दिखा देता हूँ मैं आपको। आज नाश्ते में जो है उपमा है, चाय है, और एक चीज़ और एक्स्ट्रा में होती है सब्जी पूड़ी, तो वो भी ले सकते हैं हम लोग। फिलहाल उपमा और चाय से काम चलाते हैं, और फिर फटाफट निकलते हैं प्लांट के लिए। अब
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं व्लॉग बनाना थोड़ा भूल चुका हूँ, जैसे मैं पहले व्लॉग बनाता था वैसा नहीं बना पा रहा हूँ। शायद बहुत समय बाद कैमरा उठाया उस वजह से। अब जो भी है, शायद ये मेरी गलतफहमी है, बट ये तो एडिट के बाद ही पता चलेगा। ये पूरा प्लांट है, वहाँ पे CCP सेशन है और अपने को जो जाना है वो कुछ इस तरफ से जाना है। आगे प्लांट है, अब मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, तो आप विजुअल्स को ही इन्जॉय कीजिए बस ज़्यादा, बाकी आगे जो होता है देखते हैं। ऑल राइट गाइस, बाल थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, इग्नोर करना। शाम के 6 बज रहे हैं, 5 बजे प्लांट से छूट जाते हैं और प्लांट से छूटने के बाद ही हमको एक स्नैक्स और चाय मिलता है, वो कंप्लीट लिया मैंने। और फिलहाल उसी गार्डन के अंदर हूँ जहाँ पे कल बात की थी इसी टाइम पे। आई होप इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज बहुत सारी बातें जो है कर ली मैंने, मेरे को जहाँ से लगता है। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे खाने पीने का यहाँ पे फ्री है, ठीक है, अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री है, और थोड़ा सा आवाज़ गला ख़राब हो रहा है तो आवाज़ देख लेना ऊपर नीचे हो रही होगी। बाकी बैठ के बात करता हूँ, तो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर आपको कुछ पर्टिकुलरली चाहिए हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा, जिसके अंदर मैं अभी आपको ये भी बताऊँगा कि ये इंटर्नशिप आखिर मेरे को मिली तो मिली कैसे, और आप लोग भी कैसे अच्छी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप फोड़ सकते हो। देखो यार, चलो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो आज इसके अंदर इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, और व्लॉग और चाहिए हो तो नीचे कमेंट करो यार, मैं घूमता रहता हूँ इधर उधर, तो आप चाहोगे तो व्लॉग वगैरह भी बना लूँगा। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह काफ़ी डालता हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना, कुछ भी करो ना करो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।